मास रेस्टोरेंट पे पाए लाजवाब जायका, अपने मनपसंद खाने का स्वाद, वेज नॉनवेज की स्पेशल वैरायटी, चाइनीज मुगलाई फैमिली रूम भी अवेलेबल। यही नहीं, स्वीट एंड बेकरी में काजू की बनी अलग अलग वैरायटी के गिफ्ट, मिठाइयाँ, दूध और मावा मिठाइयाँ, हलवा, माज स्पेशल, नमकीन, केक और भी बहुत कुछ मिठाइयों का मैन्युफैक्चर पाए माज रेस्टोरेंट। स्वीट एंड बेकरी पे आए खाने और स्वीट का स्वाद पाए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा बाईपास जाना जाता है सिर्फ ट्रक हादसों की वजह से या फिर लूटमार की वजह से। ये बाईपास चर्चा में हमेशा बना रहता है, चाहे दिन हो या रात। लुटेरों का किसी को यहाँ पर डर नहीं, ट्रक चालक हो या फिर बाइक सवारों को। रात के अंधेरे में तो छोड़िए, दिन के उजाले में ही लूट लिया जाता है। बेखौफ अपराधियों और लुटेरों का मुंब्रा बाईपास अड्डा बन गया है। आज फिर दोपहर में लुटेरों ने एक युवक को अपना शिकार बनाया, लूटपाट की और बेरहमी से उस युवक की पिटाई की। आपको बता दें कि मुंब्रा बाईपास पर आज दिन दहाड़े तीन बदमाशों ने एक बाइक सवार को लूट लिया। इस दौरान लड़के पर जानलेवा हमला भी किया गया, सर पर रॉड से वार किया गया। ये लड़का सैनिक नगर का रहने वाला है, इसका नाम मोहम्मद सुफियान इलियास शेख, उम्र लगभग 20 वर्ष है। अपनी बाइक से ये थाने की तरफ जा रहा था, तभी तीन बदमाशों ने मुंब्रा बाईपास पर मकसूद नगर के सामने सुफियान को पहले रोकने की कोशिश की, मगर जब सुफियान नहीं रुका तो रॉड फेंक कर उसे मारा, जिसके बाद सुफियान रुक गया। सुफियान ने बताया कि तीनों लुटेरे उसके पास आए और चाकू दिखाकर पहले उसकी बाइक छीनने की कोशिश की, मगर जब बाइक नहीं छीन पाए तो सर में रॉड से वार कर दिया और इसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। सुफियान के अनुसार उसके पास 2000 रुपये कैश थे और घड़ी लुटेरों ने छीन लिया। इस दौरान मुंब्रा बाईपास पर लूट की घटना को अंजाम दे रहे बदमाशों का शोर सुनकर कुछ लोग वहां पहुंच गए और ये तीनों लुटेरे वहां से भाग गए। सुफियान ने बताया कि जिन लड़कों ने इसके साथ मारपीट की है और लूटपाट की है वो अलमास कॉलोनी में रहते हैं, उन्हें कई बार सुफियान ने देखा भी है मगर उनका नाम नहीं पता है। बहरहाल खून से लथपथ हालात में सुफियान मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस ने उसे कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज मेडिकल के लिए भेजा है। सुफियान ने पूरे घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। मैं जा रहा था थाना बाइक लेके, तो तीन लड़के लोग हैं ना, मेरे को हाईवे पर रोके रॉड से। मैं रुक रहा नहीं था, मेरे को रॉड फेंक के मारे तो मैं गाड़ी रोक दिया, तो मेरे को बाजू में आए और बाजू में चाकू लगा यहाँ पे पेट पे और बोले गाड़ी के चाबी दे, गाड़ी के चाबी दे, जिस पास तेरे पास पैसे है मोबाइल है वो दे मेरे को। मोबाइल तो लिए नहीं, पैसा ले लिए मेरे से 2000 रुपया और गाड़ी के चाबी छीन लेते मेरे से। तो मेरे ये अपना हाईवे पे मकसूद नगर के ऊपर चढ़ते ना जब मंदिर, हाँ मुंब्रा बाईपास बाईपास पे जो मकसूद नगर ऊपर चढ़ते ना मंदिर के पास, जस्ट वहीं पे हुआ। तो वहाँ से मैं थाना जा रहा था तो मैं उसने मेरे को रॉड मारा पैर पे, तो मैं गाड़ी रोक दिया। ऊपर से मैं ना गाड़ी की चाबी मैं नहीं दे रहा था ना, उसने मेरे को सलिए से मारा यहाँ पे रॉड से, तो मेरा सर फूट गया। अब लोगों ने तीनों जन मेरे को फाइटी फाइट बहुत मारे उन लोगों ने, हाँ तीन लोग थे। 2000 रुपये मेरे से छीन लिए उन लोगों ने और मेरे से चैन पहना तो उन लोग छीन लिए, वो सोने का चैन था पतला सा, हाँ छीन के भाग गए उन लोग तीन। वहाँ से लोग आदमी लोग देखे ना, तो वहाँ के आदमी लोग आके ना मैं झुंड सामने बचाने आ गए, बोले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो उन लोग देखे ना आदमी लोग के उन लोग भाग गए। हाँ वो अलमास के रहने वाले हैं तीन लड़के लोग, दो लड़के लोग को मैं अलमास में देखा हूँ और जानता हूँ उन लोग कहाँ बैठते बैठे, नाम तो नहीं जानता हूँ मगर अलमास में देखा उन लोग को। कंप्लेंट मैं कर दिया हूँ अभी, मैं MC लिए मेरे से, तो उन लोग बोलेगा कलवा हॉस्पिटल, कलवा हॉस्पिटल में बोलेगा इन लोग रिपोर्ट कराओ। और फिर ये हुआ 2:30 बजे के आसपास में,